सो अभी छुट्टियाँ चल रही हैं एंड वी आर लर्निंग एडवांस टॉपिक इन ग्रामर, एडजेक्टिव काइंड्स. सो एडजेक्टिव जो डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाता है, क्लास वन क्लास टू में बच्चे जितना सिंपल सीखते हैं ना उतना भी सिंपल नहीं है. दे हैव टू लर्न काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स एज वेल. सो एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना इन अ सेंटेंस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो और डिफिकल्ट होता है टू आइडेंटिफाई वॉट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इट इज़. जैसे कि सेंटेंस में आप देख लो, देर इज आई हैव वन बॉटल ऑफ जैम. वन इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ अ न्यूमरल एडजेक्टिव, बट आई वॉन्ट ऑल द जैम. ऑल ऑल कौन सा एडजेक्टिव है? इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव. सो हाउ आर वी गोइंग टू टीच ऑल दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स? बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से डिफरेंट एक्सरसाइजेस से प्रैक्टिस करवानी है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स. कैसे हैं आप सब? सो सबसे पहले जब भी आप ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करें, अगर आप एडवांस टॉपिक पढ़ा रहे हैं जैसे कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव, पहले रिवाइज करें वॉट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है. आई प्रेफर टीचिंग दिस थ्रू अ राइम और अ सॉन्ग. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, माई डॉटर इज़ वॉचिंग यूट्यूब का एक सॉन्ग, एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो ऑन एडजेक्टिव. दिस विल हेल्प हर रिवाइज के वॉट इज एडजेक्टिव. नाउ कमिंग टू काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में सी दीज ऑल शी हैव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, नंबर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजिसिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. पहले एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है वो एडजेक्टिव होता है, राइट? सो ये क्लियर करने के बाद नाउ इट्स आर ड्यूटी के हम पहले सारे नाम याद दिला दें जो कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के हैं और उनका मीनिंग भी समझा दें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको डेफिनेशन का पता नहीं है, यू कैन हैव अ वर्कबुक लाइक दिस. सो इस बुक के थ्रू हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा. दिस इज़ वन फॉर ऑल वर्कबुक. कॉन्सेप्ट वाइज ग्रामर पढ़ाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है इस बुक के थ्रू, क्योंकि इसमें क्लियरली एवरीथिंग समझाया गया है. एडजेक्टिव क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव द वर्ड इज, एंड साथ ही एक्सरसाइजेस दी गई हैं विच विल बी डूइंग टुडे. इस तरह की वर्कबुक से जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है पढ़ाना बहुत इजी हो जाता है घर पर. उस वाल बुक्स की तरफ से ये वन फॉर ऑल कॉन्सेप्ट वाइज वर्कबुक है. नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, आप इस मैथ के लिए, साइंस के लिए एंड दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी उस वाल बुक्स की वर्कबुक यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर. ये बुक्स 30% डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन अवेलेबल है. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज़रूर चेक करें और घर पर पढ़ाने के लिए इस तरह की वर्कबुक्स ज़रूर अपने पास रखें. सो चलिए समझते हैं एडजेक्टिव्स. जैसे कि क्वालिटेटिव, क्वालिटी बताने के लिए, नाउन की क्वालिटी बताने के लिए. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर बताने के लिए, 1, 2, 3, 4 कितने नाउन हैं. क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब कितना, नॉट नंबर. 1, 2, 3 के अलावा जो वर्ड्स यूज होते हैं, मैनी, फ्यू, डबल, ये सारी क्वांटिटेटिव में आती हैं. यू कैन गिव लॉट मोर एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में आए, नहीं तो आप गूगल करके भी वर्ड्स इकट्ठा करें जैसे मैंने यहाँ पे किया है. See, we have been learning these vocabulary words related to all kinds of adjectives here. जैसे descriptive में ये सारी आती है, distributive में ये सारी आती है. So, as I said, descriptive मतलब quality, quality of noun बताने के लिए, happy boy, sad boy, है ना, तो ये सारी qualitative adjective में आती है. Then you have this distributive adjective here. ये थोड़ा सा confusion create करता है बच्चों में. So, you have to be clear and give them a lot many examples. So what is distributive adjective? So distributive adjective is, agar group of things hai, group of objects hai, ya fir group of individuals hai, agar aap ek ya ek se zyada un group mein kisi ko point kar rahe ho, to kis tarah se point karte hai, jaise ki each, both, yahan par hai na every, all, ye sari distributive adjective mein aati hai. क्वांटिटेटिव एज ए सेट इट इज़ प्रिटी सिंपल. न्यूमरल भी सिंपल है. न्यूमरल के अंडर आता है 1, 2, 3, 4, 100, 1000 नंबर्स आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, येस नंबर्स आते हैं. वेर एज क्वान्टिटेटिव में कितना हिस्सा जो होता है ना वो बताने के लिए, कितना, मोर मतलब ज़्यादा, कम, इस तरह से थोड़ा सा. सो मोर, मैनी, फ्यू, सम, ये सारी. देन यू हैव डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव आप किसी चीज़ को पॉइंट करके जब बता रहे हो तो वो एडजेक्टिव होता है. डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इस तरह से. इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, वॉट, वेयर, हाउ मैनी, इस तरह से.
पोजेसिव में होता है पोजेसिवनेस बताने के लिए, मतलब ये किसकी चीज़ है, ये नाउन जो है वो किसका है बताने के लिए एडजेक्टिव यूज़ होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव. सो माई, योर, हिज, हर. सो ये सारी जो वोकेबलरी वर्ड्स आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स की, ये सिखाना ज़रूरी है सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड मार्क विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव इट इज़. सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एडजेक्टिव एंड गिविंग देम लॉट ऑफ प्रैक्टिस विथ ऑल द वर्ड्स लाइक दिस, अब आप एक्सरसाइज के तरफ जा सकते हैं. उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कह सकते हैं कि एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है इन अ सेंटेंस एंड वॉट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इट इज. अब यहाँ पे देखिए एक्सरसाइजेस जो दी गई हैं दे आर वेरी क्लियर, आप टॉपिक पढ़ाने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे इंटरेस्टिंग जो एक्सरसाइज है टू टीच काइंड ऑफ एडजेक्टिव इट इज़ दिस वन. सो माई पेंसिल इज डैश. अब यहाँ पर बच्चे को एडजेक्टिव लिखना है. तो कौन सा काइंड एडजेक्टिव लिखना है, इट इज़ क्वालिटेटिव. अब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में क्या आता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी बताता है. यहाँ पर है नाउन पेंसिल, सो माई पेंसिल इज डैश, माई पेंसिल इज बिग. ओके, माई पेंसिल इज बिग, बड़ी पेंसिल, विट इज अ क्वालिटी ऑफ द पेंसिल. देन आई पुट डैश जैम ऑन माई सैंडविच. अब यहाँ पर बताना है क्वांटिटेटिव, कितना कितना. क्वांटिटेटिव में कौन से वर्ड्स आते हैं, मोर, लेस, फ्यू, इस तरह से. सो यू कैन टेल आई पुट प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ जैम ऑन माई सैंडविच. माई ब्रदर हैज़ अ डैश कोट. अब क्वालिटिव बताना है यहाँ पर, माई ब्रदर हैज़ अ ब्राउन, आप कलर लिख सकते हैं, राइट. देर आर डैश प्लेयर्स इन द टीम, नंबर एडजेक्टिव, देर आर 10 प्लेयर्स इन द टीम. तो ये जो एक्सरसाइज है वो परफेक्ट है टू टीच काइंड ऑफ एडजेक्टिव. इसी तरह से फ्यू मोर एक्सरसाइजेस है इस किताब में. सो इस वर्कबुक के थ्रू बहुत आराम से ऑफ काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स सिखा सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड के किस तरह से पढ़ाना है. स्टार्ट विथ अ राइम और अ सॉन्ग टू एक्सप्लेन, टू रिवाइज वॉट इज एडजेक्टिव. देन बच्चे को जो टाइप्स ऑफ सॉरी काइंड ऑफ एडजेक्टिव हैं उनके नाम याद दिलाएं और उनका एक्सप्लेन करें, डेफिनेशन ज़रूर एक्सप्लेन करें जिस तरह से इस किताब में दिया गया है वेरी क्लियरली विद द हेल्प ऑफ दीज डेफिनेशंस. देन आप एक्सरसाइजेस करवाएं, तब जाके बच्चे एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना एंड वॉट काइंड ऑफ एडजेक्टिव ये लिखना सीखेंगे. सो ये था आज का वीडियो अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा. हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स. गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियोज़.